नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए जो राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है वो किस तरह की स्थितियाँ लेकर आ रहा है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कन्या लग्न और उसमें ये राहु का परिवर्तन जो होने वाला है 12 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक 2023, 18 महीने का ये ट्रांजिट है, तो ये ट्रांजिट आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी पिछले जो 18 महीने का समय था उसमें राहु आपके नवम भाव में था और केतु आपके तृतीय स्थान में था। ये एक भाग्य स्थान का राहु है जो काफ़ी पॉजिटिव कहूँगी मैं एक तरह से आपके लिए, मगर अब ये राहु जो चेंज हो रहा है वो आपके आठवें घर में आ रहा है और केतु आपके सेकंड हाउस में आ रहा है यानी कि द्वितीय भाव में। तो देखिए, अष्टम भाव का राहु आखिर आपके लिए क्या परिस्थिति क्रिएट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से देखिए अष्टम भाव में जब राहु आता है तो कोई भी प्रकार का अगर रिसर्च करते हैं, मेडिकल रिसर्च है, लिटरेचर है, कोई स्टडीज है, आप कोई भी प्रकार का आईटी रिलेटेड भी कोई रिसर्च करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो रिसर्च में हैं, मेडिसिन रिसर्च में हैं, उनके लिए एक्सेलेंट पोजीशन है। और रिसर्च सिर्फ इसी प्रकार का नहीं होता, रिसर्च आप लैंग्वेजेस के अंदर भी कर सकते हैं। कोई भी प्रकार की जो कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ही डेप्थ में लेकर जाती हैं, अंदर तक जब किसी चीज़ में जाना हो तो ये राहु बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ऐसे अगर कोई फील्ड में हैं और उसमें अगर आपके अंदर क्षमता है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये राहु उसमें आपके अंदर एक मास्टरी लेकर आएगा आपके काम में, रिसर्च में, एनालिटिकल रिसर्च भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिसर्च भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का रिसर्च और कन्या लग्न वालों के लिए। और आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में भी बढ़ सकता है, आप कोई भी विद्याओं के अंदर या मंत्र में, कोई भी प्रकार की मेडिटेशंस के अंदर या कोई योगा अभ्यास है, कोई भी प्रकार की ऐसी विद्याओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो तंत्र भी हो सकता है, वो मंत्र भी हो सकता है, कोई साधना हो सकती है। तो ये काफ़ी ऐसे सिचुएशन है जो इंसान एकांत में खुद किसी से सीखता भी है, प्लस ऐसी चीज़ों का नॉलेज उसे बाय बॉन्ड प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों में ये राहु आपको काफ़ी डेप्थ तक लेकर जाएगा और इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई भी रिसर्च के डेप्थ तक जाना चाहते हैं तो ये राहु का बहुत बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि मन के अंदर एक भय पैदा करता है और भय इस प्रकार का होगा कि थोड़ा सा मन के अंदर काफ़ी चीज़ों एक साथ बहुत सारी चीज़ें वो चलना शुरू हो जाती है, मन में दुविधाएं खड़ी हो जाती है। बाकी कोई भी चीज़ सीखने के हिसाब से ये समय बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, पामेस्ट्री है, ये सभी चीज़ों को आप सीख सकते हैं, ये समय बहुत अच्छा है। मगर ये दूसरे अगर सांसारिक रूप से देखा जाए, अगर प्रोफेशनल लाइफ के फ्रंट पे देखा जाए तो यस, ये स्ट्रेस भी देगा, आपको टेंशन भी देगा, मानसिक काफ़ी तनाव क्रिएट करेगा, क्योंकि इंसान का मन जो होता है वो जब राहु 8th हाउस में होगा तो वो इन चीज़ों के अंदर रहेगा, जहां उसका रिसर्च के अंदर दिमाग दौड़ रहा है तो वो वहां पर एकांत में है तो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने में वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। दूसरी एक चीज़ कहूँगी कि राहु की तीन दृष्टियाँ हैं, एक दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो 12वें घर पे ये दृष्टि होने के कारण फॉरेन लैंड से संबंधित कोई भी काम है तो उसमें आपको सफलता ये प्राप्त करवाता है। कोई बिजनेस है, फॉरेन लैंड में जाकर आप यानी कि विदेश जाकर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो फाइल कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता देता है ये। कोई बिजनेस है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, राहु काफ़ी हेल्प करता है। इस राहु की एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे पड़ती है और केतु वहाँ पर स्थित है। देखिए, केतु सेकंड हाउस में आपको फैमिली से डिटैचमेंट करवाएगा, यानी कि घर परिवार के साथ आपके जो संबंध है उसमें थोड़ी सी खटास आ सकती है। खटास यानी डरने वाली बात नहीं, मगर कभी कभी हमारी स्पीच में
वो थोड़ा कड़वापन लेकर आता है, तो उसके कारण कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है जहां पर विचार नहीं मिलते हैं। और केतु सेकंड हाउस के अंदर होने के कारण इंसान में वो परिस्थिति के अंदर वो यही सोचेगा कि वो घर से बाहर जाने की कोशिश करेगा, कौटुंबिक जो हमारे फैमिली रिलेशंस हैं उनके साथ वो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करता, और प्लस उनके साथ बोलने में या कोई भी जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है, और अगर बैठ कर बात भी करते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़े और काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है। तो हो सके तो इसमें मधुरता रखिएगा, क्योंकि राहु की भी एक दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ती है जो काफ़ी असमंजस क्रिएट करती है, और राहु की ये दृष्टि के कारण मैं कहूँगी कि आपके जो सेविंग्स हैं उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग्स को गलत डायरेक्शन देता है ये। कभी कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं कहती हूँ कि यस बिजनेस करो, मगर किसी के बहकावे में आकर किसी व्यक्ति को आप पैसे दे दे या कोई भी इस प्रकार का, ये टाइमिंग में इस प्रकार की कोई चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो पैसा गया वो वापस आने की क्षमता नहीं होगी और वापस वेस्ट कर देगा। प्लस आपको ये केतु के अंदर बहुत सारे ऐसे मन में भ्रम पैदा हो जाते हैं कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूँ तो मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा, तो ये राहु भी एक तरह से इंसान को गलत भ्रम पैदा कर देता है। तो पैसों को लेकर कभी पर किसी दोस्त को पैसे दे देना या किसी, ये सब मत कीजिए। आप अपने पैसों को लेकर इस टाइमिंग में किसी पर ट्रस्ट करना आपके लिए योग्य नहीं है। ये राहु की एक दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पे भी पड़ती है। तो चतुर्थ भाव जो है, देखिए प्रॉपर्टी मैटर की बात करते हैं, मानसिक सुख ये सब कुछ आपका चतुर्थ भाव से देखा जाता है। देखिए प्रॉपर्टी के लिए मैं मना नहीं करती, इसके लिए मुख्य रूप से आपका मंगल है और बाकी दूसरे प्लैनेट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं जिनका हम विश्लेषण करने के बाद ही किसी डिसीजन पे आ सकते हैं, प्लस उसके आपके दशाएं अंतरदशाएं सब कुछ देखना पड़ता है। मगर मोटे रूप से कहा जाए तो यस, कोई भी डिसीजन लेना होगा प्रॉपर्टी का तो उसमें थोड़ा सा आपको दुविधा रहेगी कभी कभी, और एक भय भी क्रिएट होगा। बाकी एक तरह से सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, मानसिक तनाव थोड़ा बहुत रह सकता है, मगर फिर भी अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। बस ये जो एक दृष्टि है उसके कारण मानसिक जो शांति और पीस आप चाहते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आती है। और माता के लिए कहूँगी कि इतना स्ट्रेस लेने की कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर कभी कभी घर के अंदर या मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी मैटर है तो उसमें बहुत शांति बनाए रखिएगा, उसमें बहुत उतावलापन मत कीजिएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये राहु के अंदर यस आपके मानसिक तनाव की स्थिति भी क्रिएट होती है, लोगों के साथ आपके छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के कारण मानसिक तनाव की स्थिति, प्लस कुछ डिटैचमेंट भी रहेगा लोगों के साथ, मगर ये थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो थोड़ा सा शांति से हैंडल कीजिएगा परिस्थितियों को। एकदम से उतावलेपन में आकर कोई भी रिएक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और पूरे सारे ही पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रख दिया है, उसके बेस पर आप अपने जीवन के आगे के महीनों को प्लान कीजिएगा। शुरुआत के 3 महीने बहुत कठिन है, क्योंकि ये बदलाव जो है उसमें काफ़ी दूसरे प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व्ड हैं, उसके कारण शुरू के 3 महीने यानी कि जुलाई तक की स्थिति थोड़ी सी कठिन है। मगर मैं एक ही चीज़ कहूँगी, कठिन ज़रूर है मगर अगर प्लान कर कर पीसफुली हैंडल करेंगे तो इन परिस्थितियों में से आप निकल कर बहुत अच्छी संभावनाएं भी बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए इस ट्रांजिट से डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसके जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे का प्लानिंग करेंगे तो बहुत सी पॉजिटिविटी आप अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।